सत श्री अकाल जी सारिया नूं, आप सब जी का स्वागत है। प्यारे दोस्तों, हाजिर होए हाँ अज की वड्डी अपडेट दे नाल। सो दोस्तों, जिवें कि आप सब नूं पता ही है कि केंद्र सरकार ने अपने मुलाजमान के डीए दे विच वाधा किया है अते मुलाजमान का डीए अते पेंशनर्स का डीए जो है उस नूं वधा के हुण 38% कर दिता है। सो दोस्तों, सब दे मन विच इह सवाल आ रहा है कि हुण पंजाब सरकार कदों अपने मुलाजमान के डीए दे विच वाधा करेगी। सो दोस्तों, इस दे बारे विच सारी जानकारी तुहानूं असीं इस वीडियो दे राहीं देण जा रहे हाँ। दोस्तों, इस वीडियो नूं वध तों वध सब दे नाल शेयर करना, चैनल नूं सबसक्राइब करना ना भुलना जी। सो आओ दोस्तों, हुण असीं अपनी अज दी इस वीडियो नूं शुरू करदे हाँ। सो दोस्तों, सूत्रां दे हवाले तों इह खबर पता चली है कि आउण वाले दिवाली दे त्यौहार दे मौके ते पंजाब सरकार अपने मुलाजमां ते पेंशनर्स नूं वड्डा तोहफा देण जा रही है। पंजाब सरकार मुलाजमां ते पेंशनर्स दे डीए दे विच वाधा करन जा रही है। इस दे नाल ही दोस्तों, वित्त विभाग वालों एक पत्र भी जारी होया है। इस पत्र दे विच लिखा गया है कि जो सारे बंद किए हुए भत्ते हैं, जिमें कि पेंडू एरिया भत्ता, ट्रैवलिंग अलाउंस सारे बंद किए गए हैं, उन्होंने एक बार फिर तो बहाल किया जाएगा और रहिंदा बकाया भी जारी किया जाएगा। इस दे नाल ही दोस्तों, मुलाजमान की जो ACP स्कीम है जिसनों बंद कर दिता गया है उसनों मुड़ बहाल किया जाएगा और आने वाले 1-2 महीने के अंदर अंदर पुरानी पेंशन भी बहाल हो जा रही है। सो दोस्तों, मुलाजमान ते पेंशनर्स नूं वड्डे तोहफे जो हैं पंजाब सरकार वालों दिते जा रहे हैं। सो दोस्तों, आने वाले समय के एक एक करके सारिया मंगा पूरियां हो जा रही हैं, पर दोस्तों ये कहा जा रहा है कि मुलाजमान के डीए दे विच वाधा तो दिवाली के त्यौहार तक हो जाएगा। सो दोस्तों, मैं उम्मीद है कि आपको जानकारी जरूर चंगी लगी होएगी। होर अपडेट्स लैन लई चैनल नूं सबसक्राइब करना ना भुलना जी। धन्यवाद।